हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, नवरात्रा चल रहे हैं और नवरात्रों में एक ही एक खाना खा के हम बोर हो जाते हैं, तो आज हम आपके लेके आए हैं फलाहारी इडली। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आइए फलाहारी इडली बनाना स्टार्ट करते हैं। फलाहारी इडली यानी कि व्रत में खाने वाली इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक कटोरी सामक, जो मैंने धो के आधे घंटे पहले रख दिए थे। देखिए बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। साथ ही हमने लिए हैं आधा कटोरी साबूदाने, ये भी हमने धो के अच्छे से रख दिए थे। देखिए बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जितना आप सामक ले रहे हैं साबूदाना बिल्कुल उसका आधा हमें लेना है। साबूदाना भी बहुत अच्छे से फूल चुका है, सामक भी बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब हम सामक का पानी अलग निकाल देंगे और दोनों चीजों को जार में डाल लेंगे। हमने यहाँ पे लिया है ग्राइंडिंग जार और इसमें साबूदाने और सामक दोनों चीजें डाल देंगे। साबूदाने भी हमने जार में डाल दिए हैं। फलाहारी इडली बनाने जा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे सेंधा नमक लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाल देंगे। अब हमने यहाँ पे लिया है खट्टा दही, ये भी लगभग हम एक कटोरी के आसपास डाल देंगे। ज्यादा नहीं डालना है नहीं तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा। अगर हमें जरूरत होगी तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, दही डालेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए बैटर हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है, आपको पास से दिखाती हूँ। हमें इस तरह से गाढ़ा रखना है बैटर, बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, क्योंकि जब पतला बैटर होगा तो उसकी इडली सॉफ्ट नहीं बनेगी। बैटर को हम एक बाउल में निकाल देंगे। बैटर को हमने बाउल में निकाल दिया है, 10 मिनट इसको रेस्ट पर रख देते हैं। आइए तब तक हम नारियल की चटनी तैयार कर लेते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है ग्राइंडिंग जार, इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी नारियल का बुरादा। सबसे आसान तरीका है नारियल की चटनी बनाने का। अगर आप ताजा नारियल लेना चाहते हैं तो आप ताजा नारियल भी ले सकते हैं। एक छोटी कटोरी मैंने लिए हैं मूंगफली के दाने, लगभग 15 से 20 दाने हैं। एक हरी मिर्च ली है हमने, इसको रफली चॉप कर लिया है, ये भी डाल दी है। व्रत में खाने के लिए नारियल की चटनी बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिया है सेंधा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक डाल देंगे। छोटा आधा चम्मच हमने लिया है काली मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो डालें वरना स्किप कर दें। नारियल की चटनी बनाने के लिए सबसे जरूरी जो है वो है खट्टा दही, ये घर का जमा हुआ 2 दिन पुराना दही है, इसको भी हम डाल देंगे ग्राइंडिंग जार के अंदर। सभी चीजों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए चटनी बना के हमने तैयार कर ली है, बहुत ही बढ़िया हमारी नारियल की चटनी बन के तैयार हुई है। चटनी को हम बाउल में निकाल लेंगे। चटनी को हमने बाउल में निकाल दिया है, आइए अब हम इसमें बघाड़ लगा लेते हैं। बघाड़ लगाने के लिए आप कोई भी कढ़ाई या पैन ले सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया है आधा चम्मच देसी घी। घी गरम हो चुका है, हमने यहाँ पे लिया है आधा छोटा चम्मच जीरा। अगर आप जीरा व्रत में खाते हैं तो आप डाल लीजिए वरना स्किप कर दीजिए। साथ ही हमने लिए हैं छोटा आधा चम्मच तिल, थोड़ा सा हमने लिया है करी पत्ता। नारियल की चटनी के लिए हमारा बघार बनके बिल्कुल रेडी है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और बघार को चटनी में डाल देंगे। देखिए कितने बढ़िया से हमारी नारियल की चटनी बनके तैयार हुई है। नारियल की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए अब इडली के बैटर को हम चेक कर लेते हैं। देखिए इडली का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है, ना पतला है ना गाढ़ा है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका बैटर पतला हो जाता है तो आप थोड़े से सूखे सामक साफ करके जार में पीस लीजिए और इसमें जरूरत के हिसाब से पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करके 5-7 मिनट और ढक के रख दीजिए, तो आपका जो बैटर है वो वापस से गाढ़ा हो जाएगा। पर जो हमने आपको क्वांटिटी बताई है उसके हिसाब से ना बैटर ज्यादा पतला होगा ना ज्यादा गाढ़ा होगा। ये देखिए बिल्कुल सही हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती, अगर आप हरी मिर्च पसंद करते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। धनिया डाल के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इडली मोल्ड को हम सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे, आप तेल या घी जो आप पसंद करते हैं वो मोल्ड में लगा लीजिए। देखिए मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया है। इडली कुकर में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, पानी भी गर्म हो चुका है और मोल्ड को हमने ग्रीस कर लिया है और बैटर भी हमारा रेडी है। अब हम लेंगे यहाँ पे इनो, आप कोई से भी फ्लेवर का इनो ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच इनो, बैटर में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
बैटर को हम मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। आइए फटाफट से हम मोल्ड को कुकर में रख देते हैं। मोल्ड को हमने स्टैंड में लगा दिया है, लिड को लगा देंगे। गैस की फ्लेम को हम 2 मिनट के लिए हाई रखेंगे, उसके बाद में हम 10 मिनट के लिए लो कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। आइए लिड को हटा के चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी फलाहारी इडली बनके तैयार हुई है। 10 मिनट ठंडा होने देंगे और इडली को फिर मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। इडली को हमने मोल्ड से बाहर निकाल लिया है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी जालीदार इडली बनके तैयार हुई है। फलाहारी इडली हमारी बिल्कुल रेडी है। हमने नारियल की चटनी के साथ में सर्व भी कर दी है और बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों एक बार फलाहारी इडली की रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।